हेलो दोस्तों कैसे हो जैसे सब बढ़िया तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में गैस आज जा रहे हैं हम इस सस्ते इजिप्ट में तो भाई देखो पहले तो उतरते ही मेरे साथ स्कैम हो जाता है भाई ये क्या हो रहा है ये मतलब भाई कहाँ झुक कर जा कर रहा है ये भाई ये समझ कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि हम पब्जी खेल रहे हैं पबजी हमारे साथ खेल रहा है मतलब देखियो क्या हो रहा है ये मतलब किस पोजीशन में चल रहा है आधा झुका हुआ है ये मतलब अलग ही स्कैम है भाई पबजी के भी तो पता नहीं भाई कब सी सही होगा और तो लेकिन हो जाता है भाई थोड़ी देर में सीधा जैसी जैसे यूएम पी उठाता हूं। उसके हो भाई हो गया कर इसके साथ और भाई बंदे आप काफी उतरे थे इस जगह पर भाई काफी तबाही मच रही थी और मेरा टीम में भाई काफी मचा रहा था। जो कि मेरे को है पर है वेस्ट और वेस्ट तो मिल जाती है भाई हेलमेट मिलता नहीं तो भाई मैं सोचता हूँ हेलमेट तो पहले लेकिन मिलता नहीं है तो भाई यूएम मिल गई थी मेरे को भाई कर देते हैं फटाफट बंदो पे रश और यहाँ ये बंदा नॉक था तो भाई इसको फिर करते हैं फटाफट ये बंदा अलग भाग कर रहा था अब एक एक बंदा अंदर से भाग कराएगा तो भाई मारते हैं उसको भी तो यहाँ पर ये स्कॉड पूरी वाइप हो चुकी थी इसका मतलब भाई हम खुला घूम सकते हैं थोड़ा क्योंकि हमारे पास अच्छी खासी लूट हो गई थी और भाई फुट स्टेप इतने नहीं आ रहे थे यार तो भाई फिर ये मेरे ख्याल से यही स्कॉड होती है जो होती रहती तो भाई हम ट्राई करते हैं पजल को लेकिन भाई होता नहीं है सॉल्व तो भाई थोड़ा ज़्यादा दिमाग हम मारते नहीं इस फालतू की चीज़ों में क्योंकि भाई हमें खेलने से मतलब इन फालतू की चीज़ों में दिमाग मार रहा हमारा काम ही नहीं है तो भाई फिर थोड़ा बहुत दिमाग मारते हैं इसमें कोशिश कोशिश करते हैं लेकिन खुलता नहीं है तो भाई चलते हैं ऐसे फिर फटाफट और यहाँ पर हमें मिल जाती है भाई मेरे मेरे टीममेट को भाई ये मुन्ना भाई वाली मुन्ना भाई एम बी वाली बाइक तो भाई फटाफट इसको उठाते हैं और भाई चलते हैं अपनी फेवरेट जगह कैस करो पोचिंग की <laughs> तो भाई चलते हैं पोचिंग की तरह और यहाँ भाई मेरे को एक रस्ते में बॉट मिल जाता है तो मैंने बॉट की किप दिखाता नहीं तो बॉट को खिल करके वहाँ देते हैं भाई अपने पोचिंग की में और भाई पोचिंग की में बंदे ना हो यार ऐसा हो ही नहीं सकता भाई इम्पॉसिबल यार तो भाई सामने ही हमें दिख जाता है भाई ये बंदे जा रहे थे यहाँ से तो भाई देखो अब क्या होता है यहाँ पर तो यहाँ पर मेरा टीममेट तो भाई लेफ्ट में चला तो मैं चला जाता राइट में क्योंकि मेरे को राइट में फुस्टा पाया और मेरे टीममेट को लेफ्ट में तो हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं यहाँ पर यहाँ पर आ जाते हैं भाई एक बॉट महाराज जिनको हम किल कर देते हैं तो भाई अभी देखना मेरा टीम दो बंदों को किल करेगा और मैं उसकी किल लेने की कोशिश करूँगा और यहाँ सामने ब्रोकन वॉल के पीछे भी बंदा था तो मेरे को भाई ध्यान रखना है कि ब्रोकन वॉल से मेरे को ना पड़े तो भाई तब भी मेरे साथ स्कैम हो जाता है देखो क्या होता है भाई मेरे को पता भी नहीं चला कि ये बंदा मतलब पी मेरे को पीछे से उजी से हिट दे रहा था लेकिन मेरे को पता नहीं चला मैं बस बच गया यहाँ पर तो भाई फटाफट लूट वगैरह लेते हैं हीलिंग्स वगैरह करते हैं और भाई देखते हैं और कोई स्क्वाड वगैरह है अब नहीं है तो भाई चलते हैं यहाँ से फिर तो भाई होता है ऐसा होता है कि भाई एक स्कॉड मिल जाती है यानी एक स्क्ॉड तो नहीं कह रहा एक बंदा होता है यहाँ पर जो सामने ट्रिपल स्टोरी पर है ट्रिपल स्टोरी में है तो भाई दो नेड डालने की कोशिश करता हूँ लेकिन भाई दोनों ही नेड फुस हो जाते हैं तो यहाँ मैं एक स्मोक डालता हूँ जिससे बंदा थोड़ा है इधर उधर उधर है सोचे कि नेड है तो देखो क्या होता है अभी तो यहाँ पर कर देते थे भाई इस बंदे को भी किल और थोड़ी बहुत वगैरह लूट वगैरह करेंगे इस बंदे से भी और भाई फिर चलेंगे यहाँ से क्योंकि और बंदे यहाँ पर नहीं है तो भाई यहाँ पर हम पोचिंग खाली करने के बाद आ जाते हैं स्कूल में और यहाँ भाई कोई किसी पर अत्याचार कर रहा था तो भाई उसका दर्द मिटाते हैं जो फटाफट आके खुद ही देखो क्या होता है यहाँ गाइस तो यहाँ हम इस स्क्वाड का एक बंदा नॉक करके फिनिश कर देते हैं और एक बंदा सामने इस स्कूल में था और एक बंदा साइड साइड के अपार्टमेंट में होता तो, तो देखो भाई अब क्या होता है तो यह मैं उस बंदे को हिट देने की कोशिश करता हूँ लेकिन भाई बच जाता है वो तो इसके दूसरे बंदे को लेकिन वो भाई नेट वगैरह करते हैं तो भाई इसके दूसरे बंदे को हिट देंगे अब और यहाँ उसका दूसरा बंदा हो जाता है नॉक तो भाई फटाफट यही समय था रश करने क्योंकि एक बंदा हम खा चुके हैं और एक बंदा नॉक हो चुका है तो भाई रश करने का अच्छा टाइम कभी नहीं मिलेगा क्योंकि भाई दो ही बंदे बचे हैं अब तो और एक बंदा सामने ब्रोकन वॉल के पीछे आ चुका था और एक बंदा जो है वो स्कूल के अंदर ही है तो भाई फिर मैं सोचता हूँ कि फटाफट पहले हिल करते हैं और जो बंदा नॉक किया पहले उसको फिनिश करते हैं और भाई फिर करते हैं इन लोग पे रश तो यहाँ मेरे टीममेट मेट हैं भाई उस बंदे को जो मैंने नॉक किया था उसको किल कर दिया था पूरा कंफर्म किल हो गई थी मेरे को और एक बंदा आ जाता था सामने इस ब्रोकन वॉल पर और मेरे को ध्यान भी रखना है कि एक बंदा सामने इधर मेरे आ, लेफ्ट में स्कूल में भी है तो भाई केयरफुल रहते हैं थोड़ा और लेकिन भाई मेरा टीम लेफ्ट वाले बंदे को तो नॉक कर देता है तो कुल मिला यही बंदा था तो छा तो भाई देखो उस पर मतलब मैं थोड़ा देख संभल के रश करता हूँ क्योंकि भाई पता नहीं होता कि सामने वाला बंदा कैसा खेलता है अच्छा खेलता है बेकार खेलता है हमें नहीं पता तो भाई फिर भी केयरफुल रहो सामने वाले बंदे कोई अच्छा सा कोई ना कोई सामने वाला बंदा गलती करेगा यार बस उस गलती का इंतज़ार करो और फिर बोम रश मार दो तो ऐसा होता है भाई सामने वाला बंदा गलती करता है जो कि वो गलती क्या करता है भाई गलती करता है कि वो ऑफलाइन हो जाता है या उसका नेट गलती करता है करवाता कर, कर है उससे तो भाई बस मैं उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता हूँ उसका नेट ऑफ होता है और भाई कर तो चलते हैं उस पर रश मारे फिर तो यहाँ पर ये स्कॉट वाइप हो जाती है और भाई इनसे लूट वगैरह करते हैं हीलिंग्स वगैरह करते हैं और भाई चलते हैं तो यहाँ हम आ जाते हैं रोज़ोक की पहाड़ी पर क्योंकि भाई हमें गाड़ी नहीं थी गाड़ी फूट चुकी थी तो और भाई मैं पैदल घूम रहा था और ना सामने से सा आती है गाड़ी और भाई देखो क्या सीन होने वाला मेरे साथ यहाँ मैं बैरल से उसके दो बंदे नॉक कर देता हूँ वो भी चलती है गाड़ी में से उस गाड़ी में तीन बंदे थे जो कि आखिरी वाला बंदा मेरा टीम मेट मैं उसको बैरल से हिट देने की कोशिश करता हूँ लेकिन भाई मेरे को गन स्विच करनी थी उस टाइम पे लेकिन मैं करता नहीं हूँ तो मैं नॉक हो जाता हूँ तो मेरा टीम मेट मेरे को रिवाइव देगा फटाफट और भाई इनका एक टीम एक बंदा इनका कहीं से आ आ रहा होता है मतलब कहीं और से तो ये तीन नहीं थे तो भाई आ चु हुआ था और इनको रिवाइव दे रहा होता था तो भाई कर देते हैं उसमें भी रिवाइव वगैरह हो गया था यहाँ पर तो भाई ये स्कॉड यहाँ पर वाइप हो चुकी थी और यहाँ पर भाई थोड़ी सी हीलिंग्स वगैरह करेंगे इनसे रूट वगैरह करेंगे और भाई चलेंगे यहाँ से क्योंकि भाई

बंदे थोड़े प्रेशर में आ जाते हैं तो भाई इससे ज्यादा अच्छा है मैं कोई उसका नहीं उसका रश कर है तो यहाँ हमने वो कर देते हैं उस बंदे पर लेकिन भाई अब हमारे साथ मेरे टीम मेरे साथ तो नहीं लेकिन मेरे टीम के पेट में बहुत दर्द था जो कि बंदे उसका दर्द मिटा देते हैं यहाँ एक बंदा इसका भागता हुआ नजर आ रहा था तो भाई हमने इसको नॉक कर दिया और मैं इसकी किल कंफर्म जरूर करूँगा और बाकी बच्चे इसके तीन दो बंदे क्योंकि एक बंदा मैंने ऊपर दूर से एम के फोर्टीन से खेल करा और एक मैंने अभी यहाँ खेल करा तो दो ही बंदे बचे हैं तो भाई देखो अब क्या होता है यहाँ पर तो भाई हमने टीम मेट दोनों ही रश कर देते हैं तो भाई क्या ही स्कैम होने वाला है हमारे साथ और ऊपर से भाई जोन हो रहा जाता था तो भाई मतलब और जोन भी अच्छी खासी हेल्थ ले रहा था क्योंकि चौथा या तीसरा जोन था ये तीसरा चौथा पाँचवा जोन था भाई पता नहीं कौन सा जोन था तो भाई यहाँ मेरा टीम तो एक बंदे को नॉक करके भाई नॉक हो जाता है और मेरे को नहीं मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा जोन के बाहर तक और बंदा मेरे को किल कर देता अगर मैं एक भी गोली पड़ती तो मैं फटाफट हील लगाता हूँ लेकिन इतने मेरा बंदा पूरा खत्म हो जाता है तो भाई करता हुआ मैरज फटाफट तो यहाँ पर ये स्क्वाड वाइप हो जाती है लेकिन भाई मेरा टीम को मैं अपने टीम को गवा देता हूँ तो भाई तो उसका तो मतलब दर्द मिट जाता है तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं तो फिर तो हम यहाँ गाड़ी उठाकर आते हैं उनसे लूट वगैरह करके भाई इस जगह पर तो इस जगह का भाई पता नहीं पूछेंगे कि पास की जगह है तो यहाँ पर मेरे को सामने एक बग्गी लगी हुई दिखती है तो भाई तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे को एक्जैक्ट लोकेशन नहीं पता गैस कभी भी आपको बंदूक की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता हो तो कभी भी रश मत करना पहले उनकी लोकेशन पता करो फिर थ्रोवेबल्स का यूज़ करो और फिर ट्राई करो रश करने का जब थ्रोवेबल्स आप पे नहीं हो तो अकेला बंदा हो या दो हो तो अपनी स्क्वाड के साथ रश करो वरना भाई थोड़ा दूरी बनाए रखो क्योंकि भाई कोरोना वायरस वैसा चला तो दूरी जितना दूरी बनाओगे ना उतना अच्छा होगा तो यहाँ मैं उस बंद उसकी इस टीम का एक बंदा नॉक करता हूँ तो एक ही बंदा रहेगा था मेरे ख्याल से तो भाई यहाँ मैं मॉली डालता हूँ जिससे बंदा रिवाइव ना दे पाए और क्योंकि जोन भी आ गया था मुझे जोन में भी भागना था तो मैं मॉली डाल के आता हूँ पीछे और उसका एक बंदा भाई जो कि मॉली अपना काम कर देती है बापू भी तो ये बंदा जला जल के आराम से भाई जोन में आके लेट गया था सोच रहा था इसको कोई देखा ही नहीं कुछ पता ही नहीं चलेगा लेकिन भाई देख लिया था हमने बेटा ऐसा कुछ ऐसी ही बात नहीं है तो यहाँ भाई थोड़ी बहुत हीलिंग करते हैं और भाई दो ही बंदे अलाइवे से तो भाई देखते हैं और तो यहाँ मैं स्क्वाड हाउस में देख रहा था कि मैंने क्या पता कोई बंदा कैम कर रहा हो तो भाई जैसे ही मैं कुत्ता हूँ सामने से आ रहा होता है बंदा तो भाई कर देते हैं उसको भी खिल तो अब यहाँ पर थोड़ी बहुत हीलिंग्स वगैरह करेंगे और भाई एक जो बंदा बचा है उसको भी ढूंढेंगे और भाई अपना चिकन डिनर लेंगे तो भाई ढूंढते हैं फटाफट इसको भी तो यहाँ मैं आगे की कितना पढ़ाता हूँ सोन में लेकिन भाई इसको ट्रक के पीछे से मेरे कहा था फुट स्टेप तो देखो भाई क्या होगा भाई यहाँ मैंने कसम से फायर बटन दबाया लेकिन दबा ही नहीं क्योंकि अभी मैंने आईपैड जस्ट कुछ दिनों पहले ही लिया है अभी एक वीक हुआ है और ये रिकॉर्डिंग थोड़ी पुर। मतलब अभी दो दिन पहले किया मैं एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला तो भाई थोड़ा हो रहा था स्कैम मेरे साथ तो भाई अब यहाँ पर स्किल करते थोड़े भी हाथ वाथ बैठे नहीं है ठीक से तो बस यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर आप चैनल पर नहीं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में गुड बाय